पैसा वसूली का अड्डा बना पुलिस विभाग। यातायात विभाग में तैनात पुलिसकर्मी वाहन छोड़ने के एवज में चालकों से वसूलते हैं पैसा। जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, दरअसल वो गढ़चिरौली में आने वाले चामोर्शी की बताई जा रही है, जहां एक ट्रैफिक की वर्दी पहना हुआ पुलिसकर्मी एक युवक से पैसा ले रहा है। पैसे के बदले ना तो पर्ची दी गई और ना ही कोई चलान। इसका सीधा सा मतलब है कि वो पैसा सीधे उस पुलिस वाले के खीसे में चला गया। गढ़चिरौली से आए दिन नक्सली वारदातों की खबरें आती है, जहां एक और अपने परिवार से दूर रहकर नक्सलियों से दो दो हाथ करने वाले पुलिस को छोड़ दे तो शहर की पुलिस व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है। जहां खुलेआम शराब की मंडी सस्ती है, सट्टे का बाजार गर्माता है और FIR मेंटेन करने के लिए दिखावे की कार्रवाई होती है, जिसके एवज में दलाल खाकी को खुश रखता है, जिस पर ना तो अधिकारी कुछ बोलते हैं ना कुछ कार्रवाई होती है। क्या ऐसे अवैध धंधे गढ़चिरौली में यूं ही फलफूलते रहेंगे या फिर जिला पुलिस अधीक्षक इस पर कोई कठोर कदम उठाते हैं, ये देखना काफी मजेदार होगा। टीम VL24 न्यूज़।